हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का एक और टॉपिक कवर करूंगा। ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर फेजर डायग्राम। साथ ही साथ मैं फॉल्ट के वेब फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। तो आइए स्टार्ट करते। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट क्या होता है इसकी डिटेल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, मैंने दो टाइप्स बताए हुए हैं फॉल्ट के। फर्स्ट वन इज योर सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड सेकंड वन इज योर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। यहाँ पर अगर मैं सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करूँ तो इस सिमेट्रिकल वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि एक ऐसा फॉल्ट है जिनके कंपोनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक कुछ सिमेट्रिकल होगी। तो अगर मैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर बात करूं तो यहां पर भी मैंने सिमेट्रिकल फॉल्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज योर ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ओके, व्हाट इज ट्रिपल लाइन फॉल्ट, अपन इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर मैंने थ्री फेज लाइन लिया हुआ है और यहां पर ये तीनों फेज आपस में क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो जा रहे हैं। तो अगर तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रिपल लाइन फॉल्ट का। ओके, तो हम इस तरीके से ट्रिपल लाइन फॉल्ट को रिप्रेजेंट करें। नाउ नेक्स्ट वन इज योर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस फॉल्ट में हमारे पास अगेन थ्री फेज वायर है, बट यहां पर क्या होगा, तीनों फेज वायर आपस में शॉर्ट होंगे और इसका एक टर्मिनल जाकर ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए हम इस फॉल्ट को क्या बोलेंगे, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर मैं परसेंटेज ऑफ अकरेंस की बात करूं तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट का अकरेंस है लगभग 2:2। साथ ही साथ ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का भी परसेंटेज ऑफ अकरेंस है 2-3% ओनली। ओके, अब आ जाते हैं अपन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पर। जैसा कि यहाँ पे नाम अगेन आपको सजेस्ट हो रहा है, दिस इज योर अनसिमेट्रिकल, मतलब यहाँ पर फॉल्ट के जो कंपोनेंट होंगे वो उनके करेक्टरिस्टिक या उनके कंपोनेंट्स सिमेट्रिकल नहीं होंगे, वो अनसिमेट्रिकल होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। व्हाट इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम देखते हैं। यहां पर जैसा कि दिख रहा है आपको, मैंने थ्री फेज सिस्टम लिया हुआ, थ्री फेज हमारी ये लाइन है। यहां पर थ्री फेज में से कोई भी एक लाइन, यहां सपोज जैसे मैंने बी फेज लिया हुआ, तो एक लाइन कोई भी ग्राउंड हो जाती है, तो ये कंडीशन होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का। नेक्स्ट इज योर डबल लाइन फॉल्ट। यहां पर अगेन अगर मेरे पास कोई तीन लाइनें हैं, थ्री फेज सिस्टम है हमारे पास, और यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई भी दो लाइन आपस में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे आर और वाई फेज आपस में शॉर्ट हो गया, तो यानी ये एक एग्जांपल है डबल लाइन फॉल्ट का। यानी अगर जब भी आपको डबल लाइन फॉल्ट रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ये मेथड यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट व्हाट हैपेंड, एनी टू फेज ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर दिख रहा है आर वाई बी में से वाई और बी आपस में शॉर्ट हो गया और ये फिर जाकर ग्राउंडेड हो जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर डबल लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड। यहाँ पर थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है। अगर हम इस डायग्राम पर जाएं तो आपको दिख रहा है अगेन थ्री फेज सिस्टम है मेरे पास, यहाँ पर दो फेज आपस में शॉर्ट हो गया और जो तीसरा फेज बचा था वो जाकर ग्राउंड हो जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये फोर बेसिक कैटेगरी है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। अगर मैं परसेंटेज ऑफ अकरेंस की बात करूं तो यहां पर जो सबसे ज्यादा फॉल्ट का परसेंटेज ऑफ अकरेंस है वो हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। हमारे सिस्टम में जो सबसे ज्यादा फॉल्ट होता है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, जिसका परसेंटेज ऑफ अकरेंस है 70%, लाइन टू लाइन का 15%, लाइन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का 10% एंड लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इसका है 2-3%। मतलब ये रेयर फॉल्ट है। यहाँ पर लाइन ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये भी रेयर है, बट अगर अपन बात करें कि सबसे सीवियर कौन सा फॉल्ट होगा इन दोनों में से, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो आंसर है यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट सबसे ज़्यादा सीवियर होते हैं। और अगर मैं सिमेट्रिकल फॉल्ट में भी अगर बात करूँ कि यहाँ पर ये जो दो कैटेगरी है इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा सीवियर है, तो यहाँ पर आंसर है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्मर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे
पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फेजर डायग्राम ऑफ फॉल्ट। अब यहां पर हम ये जानेंगे कि हम फॉल्ट के फेजर डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, फॉल्ट दो कैटेगरी है फॉल्ट की। फर्स्ट वन इज योर सिमेट्रिकल, सेकंड वन इज योर अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में मैंने आपको बताया था कि इस फॉल्ट के केस में इसके जो कंपोनेंट होंगे ये कहीं ना कहीं इनकी कैरेक्टरिस्टिक या इनके कंपोनेंट सिमेट्रिकल होंगे। ओके, तो अगर मैं देखिए, अगर अपन थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो ये थ्री फेज सिस्टम बैलेंस्ड होता है, यानी इनके तीनों फेज आपस में इक्वल एंगल पे डिस्प्लेस्ड होंगे। और अगर सपोज उस थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में कोई सिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाए, मतलब डबल ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो जाए, तो उस केस में वो सिस्टम के जो फॉल्ट करंट होंगे वो एक इक्वल एंगल पे आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जहां यहां पर आपको दिख रहा है आईए, आईसी, आईबी, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग योर फॉल्ट करंट। बट यहां पर ये तीनों फॉल्ट करंट एक इक्वल एंगल पर डिस्प्लेस्ड है। ओके, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट। साथ ही साथ हम इसको बैलेंस फॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज अगर मैं बात करूं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की, तो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इसके कंपोनेंट आपस में इक्वल एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एक कंपोनेंट फेज एक करंट का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सी या बी कंपोनेंट से, तो उसके कंपैरिजन में ए का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और अगर अपन एंगल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके बीच का जो एंगल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सिमिलर इक्वल नहीं है। यानी इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो हम फेजर डायग्राम देख के बहुत ही इजी तरीके से अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा सिमेट्रिकल होगा और कौन सा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट, फॉल्ट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर इक्वल एंगल पर होगा। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इनका एंगल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, इसीलिए हम इसको अनबैलेंस्ड सिस्टम भी बोलेंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज योर वेवफॉर्म ऑफ फॉल्ट। देखिए, अभी तो अपन ने ये डिस्कस किया कि फेजर डायग्राम के थ्रू हम कैसे फॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। बट इस टॉपिक में अपन ये समझेंगे कि मेरे पास अगर थ्री फेज वेवफॉर्म है और उस थ्री फेज वेवफॉर्म में किसी पर्टिकुलर फेज में कोई डिस्टरबेंस आ गया, फॉल्ट आ गया, तो उस वेवफॉर्म को हम देखकर कैसे जान पाएंगे कि ये कौन सा फॉल्ट है। तो इसके को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिमुलेशन रिजल्ट लिया हुआ है। इस रिजल्ट के थ्रू आज अपन समझेंगे जरा कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर कब फॉल्ट हुआ और कौन सा फॉल्ट हुआ। तो अगर मैं इस वेवफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अभी ये जो थ्री फेज सिस्टम है इक्वल एंगल पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट है, बैलेंस्ड है, और इन सब का मैग्नीट्यूड देखिए सेम है। बट एट दिस मोमेंट क्या हो रहा, सडनली ग्रीन मैग्नीट्यूड अगेन अपने प्रीवियस मोड में है, लेकिन दैट ब्लू एंड रेड लाइन इनका मैग्नीट्यूड सडनली कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला लाइन, ये वेवफॉर्म मैं वोल्टेज के लिए है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, जैसे ही फॉल्ट हुआ वोल्टेज देखिए कम हुआ, तो यहां पर क्या हो रहा, आपको दिख रहा कि इन दो फेज का रेड एंड ब्लू इनका मैग्नीट्यूड कम हो गया, इनका एंगल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, बट दिस ग्रीन फेज इज अभी भी ये हेल्दी कंडीशन में। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा फॉल्ट है, ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहां पे दो लाइनें आपस में डिस्टर्ब हुई हैं। तो यहां से हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि ये डबल लाइन फॉल्ट है या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, बट यहाँ पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर रेड एंड ब्लू फेज में फॉल्ट की वजह से डिस्टरबेंस आया है। आइए एक और हम वेवफॉर्म देखते हैं। अब अगर हम इस वेवफॉर्म की बात करें, ये भी एक मैंने सिमुलेशन रिजल्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों फेज आपस में इक्वली डिस्प्लेस्ड हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट एट दिस मोमेंट ये जो रेड लाइन है आपको दिख रहा है, एट दिस मोमेंट सडनली ये डिस्टर्बेंस अकर, और उसी की वजह से क्या हुआ, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस येलो लाइन सडनली गेट डाउन, बट ब्लू एंड दिस पिंक कलर
अभी भी ये अपने प्रीवियस मैग्नीट्यूड पे मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि किस फेज में फॉल्ट हुआ है, आप इस डायग्राम इस वेबफॉर्म को देख के आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो येलो फेज है इसमें फॉल्ट आया है। तो ये मैंने एक तरीका आपको आज बताया कि हम कैसे वेबफॉर्म को देख कर ये पता कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वेबफॉर्म में फॉल्ट आया है। तो होप स्टूडेंट्स आज का मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आगे भी इस पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के वीडियो सीरीज़ बनाता रहूं। थैंक यू वंस अगेन।